अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के द्वारा और नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग के द्वारा एक ब्राउन शुगर हेरोइन और ब्राउन शुगर का सप्लाई और पेडलिंग करने का गैंग उसको पकड़ा गया है। इसमें कादरी नाम का एक हमारे बहादुरपुरा का असल नाम है शेख अब्दुल आलम एलियास कादरी एलियास रशीद, ये बहादुरपुरा में रहता है। ये 210 के टाइम पे ये दुबई करेंसी एक्सचेंज में काम करता था। उसके बाद उसको DRI वालों ने पकड़ लिया, अरेस्ट किया उसको, और उसके बाद ये बिस्किट्स का बिजनेस शुरू किया। बिस्किट्स हैदराबाद से मुंबई ले जाना और यहाँ लोकल एरिया में बेचना, तो वहाँ मुंबई जाने के अवसर पे वहाँ मौके पे उसको चांद नाम का एक आदमी मिला। उसका असल नाम है शहजादा सैयद, ये एक प्लम्बर है मुंबई में, और ये मुंबई में प्लम्बिंग काम के अलावा ड्रग्स ब्राउन शुगर और गांजा बेचने का काम भी करता है। तो उसके साथ इसका परिचय हुआ और दोनों में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं गांजा लेके आऊँगा, मुझको पैसे बस नहीं हो रहे हैं घर चलाने के लिए, तो गांजा लेके आऊँगा, आप उसको ब्राउन शुगर में कन्वर्ट करके मुझको दो क्योंकि मैं हैदराबाद में इसका इसको बेचना चाहता हूँ। तो वो अग्रीमेंट हो गई। तो इसको नज़र में रखते हुए ये कादरी एक कासिम नाम का है, उपल में रहता है, वो नॉन ड्रग पेडलर है, वाइजैग से उसके बहुत कनेक्शंस है। तो कासिम को से इसकी मुलाकात हुई, कासिम को बोलने पर कासिम एक रमेश नाम का कल्टीवेटर है वाइजैग में पाड़ेरू एरिया में, तो उसके साथ उसकी बातचीत हुई। वो कल्टीवेट करता है, इसको उगाता है अपने फील्ड्स में, तो 3500 रुपीज़ पर केजी पे उसके पास खरीद के, और लेडीज़ का एक गैंग है वहाँ पे जिस सरस्वती एक का नाम है और ललिता लावण्या अपलम्मा, ये चार लोगों का एक गैंग है और भी और हैं वहाँ पे जो ये केस में पकड़े गए हैं। वो क्या करते हैं, ये वाइजैग से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन और बस रूट्स के द्वारा हैदराबाद अपने लगेज के रूप में उसको लेके आते हैं हैदराबाद को। हैदराबाद में उनको 5000 रुपीस पर ट्रिप पेमेंट किया जाता है। तो ये कादरी के पास पहुंचने पे कादरी इसको 8000 रुपये पे कासिम कादरी को बेचता है, कादरी इसको 12000 रुपये पर केजी पे चांद को बेचता है मुंबई में। चांद के पास ले जाकर ट्रांसपोर्ट में उसको बेचता है और उसके पास 1 ग्राम ऑफ ब्राउन शुगर एट 1100 रुपीस, मतलब 1100 रुपये 1 ग्राम ब्राउन शुगर का पे एक्सचेंज करता है उस पर, तो 10 ग्राम का होता है 11000। तो ये 1 केजी और वो 10 ग्राम का उसका कंपैरिजन हो जाता है। तो वो ब्राउन शुगर लेके आके यहाँ पर उसका एक शहीद कमाल है, उसका पेडलर है जो यहाँ बांटता है उसको, तो कमाल को वो बेचता है 5000 से 7000 के रुपए पे। तो उसके बाद वो और दूसरे लोगों को 8000 से 10000 तक उसको बेचता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी प्रॉफिट होता है इनको और उसके वजह से यहाँ पर कंजम्पशन भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इन सबको अरेस्ट किया गया है ये गैंग को डिटेक्ट करने में। और ये बीच आप देखे हैं कि हैदराबाद एयरपोर्ट में 10 दिन में 4 बड़े बड़े सीजर हुए हैं। 14 केजी हेरोइन जिसका वर्थ है 125 करोड़ का कोकेन सीआर चार लोगों से, चार डिफरेंट ट्रिप्स में, तो हर तरीके से लेकर आ रहे हैं, अपने पेट में इसको स्वॉलो करके पेट में लगा कर लेके आ रहे हैं पिल्स के रूप में, नहीं तो बैग्स में एक कंपार्टमेंट्स में लगा कर लेकर आ रहे हैं। तो इसका क्या है कि यहाँ पर लोकल डेड एंड पे पहुँच रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो ये किसको देना है, वो आदमी जो है रिसीवर जो ये देश में है
उसका समाचार ये सेंट्रल एजेंसीज को नहीं मिल रहा है, लाइक DRA लोग पकड़े हैं, इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। तो इस केस में भी चांद को देने वाला एक आदमी है, उसका नाम है महेश इलियास रईस, वो मुंबई में हमको मिला नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं एयरपोर्ट में, और ये जो छोटे सप्लाईज हो रहे हैं इस तरीके से, और वो रईस जैसे महेश जैसे आदमियाँ जो हैं उनके द्वारा ये मिसिंग लिंक हमको मिल जाएगा, तो हम उसको ज़रूर पकड़ेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, बहुत एजेंसीज हैं इसमें, करीब करीब 10 एजेंसी इसमें मिलके काम करने की ज़रूरत है, वो है NCB, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, एनफोर्समेंट ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट IB, कस्टम्स CISF, लोकल पुलिस CI, सेल और ड्रग एनफोर्समेंट में, ये सब मिलकर काम करेंगे। एक मीटिंग लगाएंगे हम जल्द में, और इसका कैसा कोऑपरेट करना, कैसे कोऑर्डिनेट करना, इसके बारे में सोच रहे हैं। और एक आज हमने किया है कि 3 प्राइवेट एजेंसी से हमने MOU साइन किया है रिहैबिलिटेशन के लिए। ये हैं आशा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, फ्यूनिक्स रिहैब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अमृता फाउंडेशन सोसाइटी। हम क्या कर रहे हैं कि अब तक जनवरी से लेकर अब तक 377 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, पेडलर्स हो या कंज्यूमर्स हो या ट्रांसपोर्टर्स हो, पर इन ये जेल में जाकर बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता नहीं है, समाचार नहीं है। तो हम अब सोचे हैं, और काफ़ी लोग हमारे पास आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनके माँ बाप हो या परिवार के लोग हो, लोग आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ऐसे हो गए हैं, उनको उनकी मदद कीजिए, उनको रिहैबिलिटेशन में लगाइए। तो हमने इनसे बात की है, ये इंस्टीट्यूशन से, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, और हम अब से ये पूरे 377 लोगों को हम बुलाएंगे और उनको रिहैब प्रोसेस करवाएंगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, पहले हफ्ते में इनको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट उनके कंसेंट लेकर उनको करवाया जाएगा, उसके बाद दिन में दो बार उनकी काउंसलिंग होगी, साइकोथेरेपी होगी, फिर एक महीना चलेगा, उसके दूसरे महीने में हफ्ते में एक बार काउंसलिंग होगी, फिर रूटीन में हर हफ्ते इनके टेस्ट होंगे, और इस पर हम निगाह कड़ी नज़र लगाएंगे, और एक साल तक हम इनको वॉच करेंगे कैसे ये लोग बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक साल तक देखने से इनका ये डी एडिक्शन हो जाएगा ज़रूर, उसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में कि ड्रग ये नहीं ले रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सेटिस्फाइड रहेंगे। मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हर माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि अभी काफ़ी अभी कंट्रोल हुआ है हैदराबाद सिटी में, जो हालात थे 5-6 महीने पहले, ये वज़ीर आला के आदेश से जो मीटिंग लगाए हैं उसके बाद हमने काफ़ी उसका मजबूत कर दिया एनफोर्समेंट। ये एनफोर्समेंट के बाद अभी लोग डर रहे हैं कंज्यूम करने में, बट जो भी हैं जो बच्चे बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, फिर उसके बाद ड्रग एडिक्शन के तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चों पर जो बाहर जा रहे हैं पार्टीज़ के लिए, ज़्यादातर पार्टीज़ में जाने से भी नुकसान हो सकती है, तो उन पर कड़ी नज़र रखें और उनको वॉच करते रहें कि कहाँ जा रहे हैं, किस कैसे दोस्तों से मिल रहे हैं, कि क्या क्या कर रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं रात में, और उनके बिहेवियर पैटर्न्स में अगर वो बच्चे ज़्यादा सो रहे हैं दिन में, मतलब रात भर जाग कर दिन में ज़्यादा सो रहे हैं, और तो आप समझ लीजिए कि कुछ गलत है, और इमीडिएटली उनको डॉक्टर के पास ले जाना, टेस्ट कराना, ये सब करने की ज़रूरत बहुत है। क्योंकि एक बार अगर एडिक्शन हो गया, उसको आदत पड़ गई, तो इससे निकलना मुश्किल है, वो भी एक आपके परिवार में पूरा उसके बाद दुखी देखना पड़ेगा। तो आप, मैं माँ बाप से ये कहता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप सख्त रहें बच्चों के साथ, उन पर कड़ी नज़र रखें, और कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन है दोस्त, उन पर ज़रूर समाचार निकाल के
उस पर नज़र रखने की मैं गुजारिश करता हूँ।